गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है। पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा माननीय उपसभापति महोदय, आज हम जिस विषय के ऊपर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, यह विश्व की उन समस्याओं में से एक है जिसमें कोई भी देश और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं इससे अप्रभावित हूं। अनेक समस्याएं हो सकती हैं, कोई कह सकता है किसी देश पे आतंकवाद का प्रभाव नहीं है, कोई कह सकता है अमुक समस्या मेरी नहीं है, परंतु क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व का हर देश और हर व्यक्ति एक समान रूप से प्रभावित है। और इसकी वजह से अगर हम एक बात कहें कि विगत 100 वर्षों में दुनिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति की, किसी जमाने में सिर्फ मार्कोनी का सिग्नल गया था 1900 में पार, आज हम वर्ल्ड वाइड वेब पे बैठे हुए हैं, हम सैटेलाइट्स पे बैठे हुए हैं, इतना ही नहीं सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो गया, क्वांटम रिवोल्यूशन हो गया। कहा जाता है कि वी आर एट द कस्प ऑफ ए ग्लोरियस एज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, परंतु दूसरी तरफ विगत 100 वर्षों में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है और 5 सबसे गर्म वर्ष पिछले 30-35 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए हैं, और इस प्रकार की आशंका है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 100-150 वर्षों में हो सकता है कि मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। इट नेवर हैपेंड इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। सो वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर एट द कस्प ऑफ अ ग्लोरियस टाइम और एट द कस्प ऑफ अ प्रिकेरियस टाइम। हम एक शानदार स्थिति की तरफ हैं या एक खौफनाक स्थिति की तरफ हैं। और इसी पर विचार करने के लिए दुनिया ने सबसे पहले, आप सबको याद होगा 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई, फिर 1997 में क्वेटो, जो क्वेटो प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, 2009 में कोपेनहेगन हुआ, 2015 में COP21 पेरिस में, और अभी हाल के वर्षों में ग्लासगो, और अभी पिछले महीने ही कुछ दिन पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय शर्मल शेख में जो कार्य करके आए हैं, ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया और भारत इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता के साथ सजग है। परंतु जब हम विचार करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो उस पर विचार भी उतना गहन होना चाहिए। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पेरिस में जलवायु का सम्मेलन हो रहा था, पूरी दुनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता से स्टैंड लिया था, तमाम हमारे ऊपर आक्षेप लगे थे कि हम अलग थलग पड़ सकते हैं, परंतु पर्यावरण संतुलन के लिए विकसित देशों के ऊपर एक प्रभावी दबाव बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया था। और मैं उसी नवंबर 2015 में मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, पीपुल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल एंड ह्यूमन वेलबींग एंड द नेचर आर इनडिविजिबल, यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना, सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट। ये वही बात है जो मोदी जी ने कहा कि नेचर और ह्यूमन वेलबींग अलग नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई तो इस दिशा में छोटे स्टेप से लेकर क्रमशः उत्तरोत्तर बड़े स्टेप तक किस प्रकार का कार्य हुआ। याद करिए 15 अगस्त 2014 सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया था तो स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, यह शुरुआत थी। याद करिए नो सिंगल यूज प्लास्टिक, यह अगला स्टेप था। नमामि गंगे, जब नमामि गंगे की बात हुई तो गंगा को पूरी तरीके से क्लीन करना, यह अगले स्टेप की तरफ था। और इतना ही नहीं, जो हमने लक्ष्य 2015 में निर्धारित किए थे उसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जिसमें कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्किल किया जा सके कि वो किस प्रकार से अपनी वन संपदा का वास्तविक संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि जो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस में तय किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और अगला लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, अर्थात एक ऐसा विकास का मॉडल जिसमें प्रकृति के साथ हम तारतम्य बनाकर विकास कर सकें, और इसी के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट भी तय किया गया। यानी एक बहुआयामी योजना के साथ इस क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल इंबैलेंस को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं,
जब हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता भी है, और अगर हम फॉसिल फ्यूल या कोल से ही ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करते रहेंगे तो कैसी समस्याएं आ सकती थी। तो याद करिए, एलईडी बल्ब का विषय बहुत शुरू में लिया गया और अब तक भारत सरकार 37 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण कर चुकी, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं सभापति महोदय जो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी सोचा होगा नहीं कर पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में जितनी लंबी छलांग हमने मारी है उन्होंने भी सोचा होगा उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्होंने शायद सोची भी ना हो, वो ये था कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा। यह विचार शायद उन्होंने नहीं किया होगा। मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ और आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र गुरुग्राम में है। और इसमें हमने अचीव क्या किया है कि इन वर्षों में हम सोलर सेल की कैपेसिटी में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा वाटर हीटिंग के प्रोसेस में दूसरे नंबर के देश हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भारत ने दुनिया में पहला ऐसा गांव बनाया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलता है, जहां की एक एक घर भी सौर ऊर्जा पे चल रहा है, वो है गुजरात का मोढ़ेरा गांव। और इतना ही नहीं, वहां पर भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है, तो वो भावी भारत का भी प्रतीक है और गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है। अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए नागपुर, रांची और पणजी में फॉरेस्टेशन किया गया, और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 80% तक ब्रॉड गेज का पूरा कर लिया गया है 52,000 किलोमीटर के द्वारा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस क्लाइमेट चेंज में। अब जैसा हमारी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी बताया, उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, कि COP26 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बात कही थी कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन एमिशन 1 बिलियन से कम करना और कार्बन इंटेंसिटी को 45% डाउन करना, नेट जीरो बाई 270। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है सभापति जी, कहा जाए वो किया भी जाए। 2015 में हमने लक्ष्य तय किया था कि 2030 तक हमारी नॉन फॉसिल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% हो जानी चाहिए, और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 2022 आते आते 39.91% हो गई है, अर्थात 8 वर्ष पूर्व हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। फिर यदि आप ध्यान करें, जिसका अभी उल्लेख किया गया, कि COP26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया लाइफ फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, यानी एक ऐसा जीवन शैली जो कि इन्वायरमेंट के अनुसार। यहां पे मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से मूलभूत विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये नेचर की समस्या क्यों आती है? हम सब में शायद कुछ ने जरूर पढ़ा होगा, वेस्टर्न थियोलॉजी में नेचर नाम की किताब है रिटन बाई अरिस्टोटल, जिसमें क्या लिखते हैं वो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, सब कुछ प्रकृति हमारी सेवा के लिए। और यही नहीं, उस फिलॉसफी में यह भी लिखा गया, मैन शुड बिकम द पजसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, चाहे फ्रांसिस बेकन या रेने डिकार्टे लिखते हो। इतना ही नहीं, यह लिखा गया मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, और इसीलिए बढ़ते बढ़ते हम उस मुकाम तक पहुंचे थे। हम लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है, हमारी किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो क्या लिखा था किताबों में, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। इस विचार ने प्रकृति के दोहन को इस सीमा तक पहुंचाया है कि जिसका आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हमें नेचर के अनुरूप जीवन जीना होगा, तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में गांव में हम जो जीवन जीते हैं नेचर के साथ, उसका कैसा तादात्म्य है, यदि हमें समझ लें तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है, पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है, पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है, चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है, पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है। पर दुख की बात यह थी कि हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे जीना चाहिए, जबकि वो तो हम हजारों सालों से किस तरीके से जीते आ रहे हैं, वह हमें समझ में आना चाहिए। और मैं एक कोट करना चाहता हूं, इस सारी समस्या का मूलभूत कारण कहां से आता है,
विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि हुए अंग्रेजी के, जिन्होंने एक फ्रेज यूज किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसका मीनिंग क्या था? कहा गया बच्चा प्रकृति के अधिक नजदीक होता है और वही हमारा फोर फादर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अपने अंदर के चाइल्ड को देखें तो हमारे पूर्वजों ने यानी फोर फादर्स ने क्या कहा था वह हमें समझ में आना शुरू होता है। और हमारी सभ्यता तो वो है मान्यवर जहां पर कि प्रार्थना भी क्या की जाती है, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रौषधया शांति, रापह शांति, वनस्पति, औषधि, फूल, पत्ती, अंतरिक्ष, सभी का कल्याण हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि जब हम इस प्रकार के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस टकराहट के कारण वह समस्या हो रही है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने कहा कि लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, आज यदि यह सीख कहीं से आ सकती है तो भारत से ही आ सकती है, भारत की परंपरा से आ सकती है। और आज हम दुनिया में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हों पर क्या हमने धरती और धरती की वेदना को देखा? तो यह मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो दोहन की प्यास से दुखी रक्त प्रकृति की करुण कथा, ओ अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, ओ अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धर। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर यह परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच कैन गिव एन आंसर टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द इकोलॉजिकल क्लाइमेट एंड द कल्चरल क्लाइमेट ऑल्सो, बिकॉज दिस इज एम्बेडेड इन अवर कल्चर। और हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर संपूर्ण विश्व को दिशा देने के लिए भारत की संसद में जो यह विचार हो रहा है, भारतीय संस्कृति के विचारों के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे तो एक नई दिशा समाज को देने में सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज